अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नशा सेविंग्स एंड फाइनेंस चैनल में आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज जो है हम मुवाजना कर रहे हैं कि जो लास्ट जो हमारा प्रॉफिट था नेशनल सेविंग्स, जो हमें माहवार जो प्रॉफिट दे रही थी, और अब कितना दे रही है, यानी 10 मई के बाद जो रेट रिवाइज हुए हैं उसके बाद कितना फर्क पड़ा। इससे आपको कैलकुलेशन करने में भी आसानी होगी कि आप के जो सर्टिफिकेट्स हैं अगर आप उन्हें कैश करते हैं तो आप पर कितना असर पड़ सकता है, वो सर्विस चार्जेस मिन्हा करके उसका माइनस करके कि आपको कितने पे करने पड़ते हैं। देखें, जो रेगुलर इनकम स्कीम है, रेगुलर इनकम स्कीम में पहले 920 था, अब 1000 हो गया है, यानी 80 रुपए बढ़ाए गए हैं। अब 920 और 1000 आ गया। जो फाइलर है उसको मिलेंगे 850, जो नॉन फाइलर है उसको मिलेंगे 700, यानी 150 और 300 का टैक्स देना पड़ेगा विदहोल्डिंग टैक्स। ये तो था रेगुलर इनकम के बारे में, 80 रुपए का डिफरेंस आया दोनों में। अब आते हैं बहबूद की तरफ। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शोहदा वेलफेयर अकाउंट, इन सब के रेट एक ही हैं। बहबूद जो उसके सीनियर सिटीजन्स, विडोज और डिसेबल पर्सन ले सकते हैं। पीबीए जो पेंशन ले रहे हैं गवर्नमेंट से, सिवाय ईओबीआई नहीं बाकी, और जो शोहदा वेलफेयर अकाउंट है, जो शहीद हुए हैं लोग उनके जो खानदान है उसकी, मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की थी उसमें पूरी डिटेल है, तो इनको अब मिलेगा 1180 जबकि पहले था 1080, यानी इसमें 100 रुपए का इजाफा किया गया है। रेगुलर में 80 रुपए का इजाफा था और बहबूद पेंशनर्स और शोहदा वेलफेयर अकाउंट में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। बहबूद पेंशनर्स और शोहदा वेलफेयर अकाउंट वालों को तो खुद ब खुद मिल जाएगा 10 जून से, यानी 10 जून को आप प्रॉफिट ले सकते हैं ऑटोमेटिकली, जो ज्यादा हुआ है यानी कि 1180 के हिसाब से। अच्छा, एक बात और आपको ये बता दूं कि 10 जून का, 10 जून या 11 जून या 12 जून, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रॉफिट तो ड्यू था समझिए 9 जून को था, 9 जून को आपका प्रॉफिट ड्यू था, आप जा रहे हैं 10 या 12 को, तो उस सूरत में आपको वो रिवाइज प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट 9 जून को ड्यू हो रहा था, 10 जून को ड्यू होगा तो मिलेगा। अच्छा, एक और मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें आपको बताया था कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है तो 10 साल की स्कीम, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए उसे माहाना रूटीन में लाना चाहें तो आप कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक भी इसमें दे दूंगा, तो उससे आपको आसानी ये होगी कि आप अपने कम से कम बच्चों के स्कूल के मामला जो है ना वो आसानी से देख सकते हैं। अच्छा, जो अगर आप उसका कैलकुलेट करें, डिफेंस सेविंग्स का 1,00,000 जो है वो उसका प्रॉफिट मिलता है 2,22,000, इसको 10 ईयर्स पर डिवाइड करें तो वो आपका बनता है 1,850 रुपए माहवार। देखिए, बहबूद में 1180 और इसमें 1850, काफी गैप है,
तो मैंने ये कहा था कि जिनके छोटे बच्चे हैं वो डिफेंस का सर्कल बनाएं, हर महीने 5,000-10,000 जो आप बचत कर सकते हैं आसानी से वो लें, तो उसमें आपको मार्जिन इतना मिल जाएगा कि आप कम से कम अपने बच्चों के स्कूल के कुछ ना कुछ अखराजात पूरे कर सकेंगे। ये तो था बस मंथली स्कीम्स के बारे में कि जो प्रॉफिट ज़्यादा हुए हैं तो जिन लोगों का आगाही नहीं है मैंने कहा ये उन लोगों को वहाँ बता दूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।